हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारे हैं कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में पड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा, सबसे बड़ी इमारत है दिल्ली की, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। चलिए आपको मैं पूरा कुतुब मीनार घुमाता हूँ और कैसा कुतुब मीनार है आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोग पे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। तो फ्रेंड, इस टाइम कुतुब मीनार के अंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा कुतुब मीनार, कितना सुंदर है यहाँ का, दिल्ली का। आपको पता ही है, सबसे ऊंची इमारत दिल्ली में यही है कुतुब मीनार, जिसकी हाइट है 72.5 मीटर। अभी इसके पास चलेंगे, उससे पहले आपको ये पूरा एरिया घुमा दें। पूरा ये कुआं है तो ऊपर जा नहीं पाएंगे हमें लग रहा है। इसके अंदर भी फ्रेंड्स पार्क है, जो कि आप लोग बैठ के फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे भी ये पेड़ लगाए गए हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो फ्रेंड देखिए, कुतुब मीनार के बहुत ही करीब आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। देखिए, चलिए इसके और पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर एरोप्लेन भी जा रही है, पास में इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक एरोप्लेन जा ही रही है। और ये देखिए, मतलब अरे क्या कहते हैं इसे, जो कुछ भी कहे, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। यहाँ पे 4-5 फॉरेन गए हैं, जो कि देखिए सामने विदेशी। तो फ्रेंड देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ पे, और आ गए देखिए कुतुब मीनार के बहुत ही करीब, जो कि लाल पत्थरों से बना है, जैसा कि आपको पता है। नहीं पता तब का भाई है ना, बताएगा सब, टेंशन मत लीजिए। भाई साहब देख रहे हैं कितना ऊपर है। आइए और पास में चलते हैं इसके। ये भी है, इसके अंदर भी चलेंगे फ्रेंड्स और पूरा दिखाएंगे आपको कुतुब मीनार के चारों तरफ का पूरा लुक, कितना सुंदर लगता है ये। देख रहे पब्लिक फोटोग्राफी बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहे हैं लोग। आपको पता ही है कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब बनाया था थोड़ी देर में हम बता देंगे आपको पढ़ के, मतलब गूगल बाबा है ना, अभी बता रहे हैं। और ये देखिए लिखा गया है आयरन पिलर। हाँ, यहाँ पे एक पिलर है जो कि हाँ वो अभी पिलर के पास ले जाते हैं वहाँ, उसमें ना अभी तक जंग नहीं लगा है बिना पेंट के वो पिलर, यहाँ की सबसे यही तो अद्भुत बात है। एक देखिए, यहाँ पे जाने से पहले वार्निंग दे दी गई है, नो स्मोकिंग, पानी नहीं थूकना उकना सब मना है यहाँ पे। भाई साहब कितना बड़ा है ये, मजा आ गया भाई। इसके अंदर 372 सीढ़ी है, चलिए अंदर ले चलते हैं। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि पानी जाता होगा या आता होगा, हाँ वही है यहाँ पे, मतलब अंग्रेज आए हैं उसके संग लोग फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। वो पिलर ये है देखिए, सामने जा रहे हैं पास दिखाएंगे, इसके अंदर अभी तक जंग नहीं लगा है, यही वो देखिए। और जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ना, मतलब जो डरावनी फिल्में होती हैं या भूत वाली, उसमें महल के जो पिलर होते हैं उसी टाइप का ये भी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी घूमने लायक है। ऊपर से धूप, ये देखिए, ओ हो क्या ही नजारे हैं भाई। बस भाई बस हो गया, ओके एक बार और दिखा भाई, ये देखने में मजा आ रहा है भाई कुतुब मीनार। और साथ में मम्मी पापा भी आए हैं देखिए घूमने के लिए।
जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को हमने वो जो लोहा दिखाया ना, जो लोहे का जो पिलर था, उसका वेट आपको पता है कितना है? 6000 किलोग्राम। मतलब 6000 किलोग्राम भाई, पूछिए मत कितना भारी होगा। अभी और इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कुतुब मीनार के बारे में। रुके रहिए, बने रहिए वीडियो में ऐसे ही, और देखते रहिए ऐसी वीडियो को। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो मतलब पहले नोटिफिकेशन आप पे ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुतुब मीनार के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख लिया अपने कुतुब मीनार के बारे में। आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब बता दिया है, और इसकी एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो ताजमहल है ना, उससे पाँच फिट छोटा है ये ताजमहल, से 5 फिट छोटा है। एक ये फैक्ट है, सुन लीजिए एक बार। और कुतुब मीनार आप लोग देख लीजिए। भाई इधर मत आ, पानी चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ बीमार थे, आपको दिखाते हैं। अभी तो बहुत कम देखे हैं आप ये देख रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। और इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं, जाने के लिए छोड़े हैं कि मतलब पूरा झुक के जाना है। चलिए और आपको घुमाते हैं इधर, देखिए उधर। मतलब आज संडे ना, मतलब सब जितनी भी पब्लिक है ना, सब यहीं आ गए लग रहा है। देख रहे हैं, संडे का यही फ़ायदा होता है भाई लोग। अच्छा, फिर फोटोग्राफी भी हो रही है यहाँ पे। ये किस चीज़ का पेड़ है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे भाई अंग्रेज भी आए हैं, ये देखिए। ये देखिए अंदर का नज़ारा, और चल रहे हैं सामने। आप लोगों ने तो गाइज, आप लोगों ने अंग्रेजों को देखा ही, तो इनका टिकट अलग लगता है। हम लोग का टिकट 40 रुपये का है, तो इन लोग का शायद 500 का पड़ता है, क्योंकि ये टूरिस्ट वाले हैं ना, फॉरेन है मतलब, और दूसरी जगह सहने से इनका ज़्यादा प्राइस रहता है। अरे वो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने का दिखाते हैं आपको। इंजॉय करिए वीडियो के बाद आप लोग। हम बोतल लेके आया तो खिंचवाऊँ भाई साहब। बड़ी देर के बाद ऊपर आए हैं, और अब ऊपर से यहाँ से दिखाते हैं आपको कुतुब मीनार। वाह यार, सोचिए जब ये इतना बड़ा है तो ताजमहल इससे 5 फीट और बड़ा है, वो कितना बड़ा होगा भाई, वो तो और सुंदर लगता होगा। ये भी पार्क है, मतलब आप जितनी फोटोग्राफी करेंगे कम है, बस आप घूमते जाइए। देख रहे हैं पत्थर के मतलब दीवार, इसके अंदर चलते हैं। तो भाई गाइज, आप देख सकते हैं ये कोई फिल्म का जैसे शूटिंग होता है ना, उस तरह का लग रहा है। इधर से जाओ उधर निकलो, उधर से आओ इधर निकलो, इधर चलते हैं। इस पे जाएंगे तो इस पे इधर निकलेंगे, और ये देख भाई गिर ना जाए मेरे ऊपर ही पत्थर। और बाहर उधर हाईवे, और ये देखो फॉरगन एक और मिल गया। देख रहे कुतुब मीनार कितना फेमस है, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा वाह, क्या ही मस्त है। ये देखे दरवाजा,
बस भाई बस हो गया। तो फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट में कुतुब मीनार आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आपने अंदर का नज़ारा देखा ही, तो चलिए अब एक और बाहर इमारत मिली है दिखा रहे हैं आपको। देखिए भी एक इमारत ही है, और चलिए और आगे देखा। जो कुतुब मीनार है ना वो अंग्रेज़ों के ज़माने का धरोहर है, मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है भाई। और देख रहे हैं मतलब पूरा बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे, और वो तो आप देख ही रहे हैं। इसका आपको फैक्ट तो पता ही है कि ताजमहल से 5 फीट छोटा है, और ये स्टार्ट हुआ था 1192 में स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट जब कब बना था 1388 में बना था कंप्लीट। देखिए एक और पार्क है, इसकी मतलब ऊंचाई हो रही है, चलिए इसके अंदर ले चलते हैं आपको भाई साहब। मतलब 5-5 मिनट के अंदर ही, 5-5 मिनट के अंदर ही एक एक एरोप्लेन आती जा रही है भाई, क्या ही सीन है वो देख। मतलब भाई आपको साउंड तो सुना ही दे रहा होगा, और वो देखे एक वहाँ पे की इमारत अभी बन ही रही है, कार्य चल रहा है भाई। आप लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार कितना सुंदर है और कितना मस्त था, और आप लोगों को मैंने पूरा कुतुब मीनार घुमा दिया है। तो कमेंट में बताइएगा कैसा कुतुब मीनार था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।